गोरखपुर के बेलीपार पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी अशोक निषाद को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए अवैध शराब कारोबारी के पास से 20-20 लीटर के 2 गैलन में 40 लीटर स्प्रिट बरामद किया। साथ ही अवैध कारोबारी के पास से एक स्कूटी भी मिली। शातिर शराब कारोबारी स्कूटी से तस्करी के जरिए स्प्रिट शराब सजमा पहुंचाने की फिराक में था, लेकिन बेलीपार पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शातिर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं SP साउथ ने बताया कि चंद दिनों पहले आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम ने नौसड़ इलाके में अशोक निषाद के घर पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद किया। इस दौरान मौके से अशोक निषाद की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि मौके से अशोक निषाद फरार हो गया, लेकिन आज बेलीपार पुलिस ने नौसड़ इलाके में से शातिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ विवेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले एक अपराध वहाँ पे एक्साइज एक्ट का एक्साइज की टीम और पुलिस के उससे छापामारी की हुई थी, उसमें एक महिला गिरफ्तार हुई थी, उसी का हस्बैंड है ये अशोक, आज पकड़ा गया है, जिसमें कि उसके साथ 40 लीटर स्प्रिट और उसकी वाहन मिला है, जिसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।